कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नोकिया जीना इसी का नाम है में आप लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्रिसमस अभी खत्म हुआ, लोगों ने मुझसे कहा भाई आप कोई गिफ्ट नहीं लाए हमारे लिए, नया साल आने वाला है, तो मैंने कहा आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट लेके आता हूँ। लेडीज को पर्टिकुलरली गिफ्ट बहुत पसंद आने वाली है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं लकी कहलाए जाते हैं, हैप्पी गो लकी कहलाए जाते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत में अपनी जो पैदाइश के बाद पढ़ाई करी, कभी हिल्स में करी तो कभी कहीं और गए, बड़े अच्छे अच्छी जगहों पर गए थे। उसके बाद एकदम से एक्टिंग का शौक लगा। शौक कैसा था और वो शौक कैसे पूरा हुआ ये तो कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन किसकी बात कर रहा हूं, चलिए आपका तोहफा आपके नाम। राम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाय हाय। इनको देख के मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि चांद से, फूल से या सारे जहां से कहिए, हर तरफ आपका चर्चा है जहां से कहिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। यू नो राम, इट्स अमेजिंग। आज जहां पर जाइए तो हर इंसान कहता है कि मुझे शादी जो है वो इनके जैसी चाहिए, उस कैरेक्टर की जो कसम से में है। बीवी भी अच्छी है, साली भी खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना है। बट चलिए आज तो आपके उस पार्ट की बात हम लोग कुछ देर में करने वाले हैं, पहले आपकी जिंदगी की बात करते हैं। शुरुआती दौर आपको क्या मालूम था आप ये करने वाले हैं जिंदगी में, कभी सोचा था करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि 5 या 6 साल की उम्र में मैं जानता था कि एक्टिंग करना है। शेरवुड में था बोर्डिंग स्कूल, जो कि स्टेज के लिए बहुत माना जाता है, और 9th स्टैंडर्ड में था, और एक बहुत ही महान हस्ती मिस्टर आमिर रजा हुसैन आई स्कूल में हमारा फाउंडर्स डे प्ले डायरेक्ट करने, तो उन्होंने कास्ट किया मुझे। तो उसके बाद सिर्फ एक्टिंग ही सोच रहा भाई, एक्टिंग की इन्होंने इतनी सोची है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनको इनसे ज़्यादा शायद दो लोग हम सब की ज़िंदगी में होते हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, हमारे पहले दो गेस्ट ऑन दिस वेरी स्पेशल नोकिया जीना इसी का नाम है। आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू मैम, प्लेजर हैविंग यू ऑल। बैठिए प्लीज। कहा जाता है कि मदर्स को एक अनकैनी सेंस होती है अपने लड़कों के बारे में कि वो क्या करने वाले हैं जिंदगी में। आपको क्या कुछ भी सेंस थी? आई मीन हाउ वाज ही एज अ चाइल्ड? ओबीडियंट, यस, ओनली टिल ही वेंट टू शेरवुड। तो शेरवुड में गया तो सब शैतानियाँ बाहर आ गई, और वहाँ फिर एक्टिंग का As you heard, शॉक पड़ गया। लेकिन शेरवुड के नाम में शेर है ना, तो वहाँ पे लोग थोड़े शेर हो जाते हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसी बात थी। कुछ ऐसा था, कुछ ये बहुत रहता है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन उस स्टेज पे रह चुके हैं, तो इन लोगों को एक सेंस ऑफ प्राइड था कि हमने भी उसी स्टेज पे काम किया है। फिर भी हमें कोई अंदेशा नहीं था कि ये इस लाइन में जाना चाहता है। फिर ये अमेरिका चला गया और वहाँ पढ़ाई करता था, वहाँ पर रहा 2-3 साल, लेकिन इसने एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और उससे हमें कुछ आइडिया हुआ कि ये तो वाकई सीरियस है एक्टिंग के बारे में। जी, प्राप्त सूत्रों के अनुसार मुझे इतना मालूम है कि ये अपने पिताजी से हमेशा बहुत डरते थे। अभी भी डरते हैं। सी, दिस इज द इमेज बिजनेस। तो और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते। तो इन्होंने इमेज बना रखी है कि डरते बहुत हैं,
But all his life he has done exactly what he wants to do. इनके बारे में मुझे पता है कि एक बार एक बॉल को चेस करते करते ये फर्स्ट फ्लोर से कहीं से गिरे थे सीलिंग के थ्रू. इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी कि बुरा एक्सीडेंट हो गया था. साइरस इनके साथ था. साइरस बरूचा. साइरस बरूचा आपके साथ थे उस जमाने. इनके दोस्त था. वो आपके ऊपर गिरे थे आपके नीचे. नहीं वो मैं जब गिरा स्विमिंग पूल के अंदर गिरा मैं जहाँ पर स्विमिंग पूल खाली था पानी नहीं था और मुझे खून निकला चोट बड़ी आई और साइरस कहाँ था वो भाग गया अपने घर चला गया. इनके दोस्त बहुत अच्छे थे. इनके सारे दोस्त ऐसे थे जो कि भालू को देख के पैर पर चढ़ जाते थे इनको नीचे छोड़ के. इनसे तो बात हम अभी कर भी रहे हैं लेकिन मुझे मालूम है कि इन्होंने अब तक इनकी शैतानियाँ नजर आ रही हैं. सब लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो एकदम सचमुच साक्षात भगवान राम नजर आते हैं टीवी पर लेकिन यहाँ पर इनकी कुछ और जो है वो बातें पता लग रही हैं. लेकिन इनका एक बड़ा ही अच्छा साइड है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या एक स्पेशल चीज आपके लिए हमने किसी से बात करी उन्होंने कहा है. देखते हैं क्या बात हुई. हाय भैया, आई एम श्योर यू आर सरप्राइज्ड टू सी मी हियर. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन यू रेस्क्यूड मी फ्रॉम my car accident that I had late at night. You handled mom and dad very well for me and I took off to Goa the very next morning not telling mom and dad and you handled everything and I came back 15 days later no one asked anything said anything to me. You've been my wild carefree brother for so long and this new phase of life is something I'm very excited and happy about for you. And I'm sure that it's just going to get better and better for you and for us. Ram, jis incident ki baat kar rahi thi kya hua tha wahan pe? Wo Goa jane ka plan bana tha. First of all my father was not keen that unke dimag mein beta jo hai wo bada hai lekin beti hamesha bahut choti hai to Goa nahi ja sakti doston ke sath to bilkul nahi. तो शी न्यू शी नीडेड मी फॉर गोवा. तो मेरे से पैसे लिए प्लान बनाया. मैंने बोला इन दोनों को कि जाने दो. अगले दिन सुबह 6:30 बजे निकलना था उसे. मुझे फ़ोन आया रात के 1:30 बजे. भैया आई एम इन कुलाबा पुलिस स्टेशन. गाड़ी थोक दी है मैंने और पुलिस बुला रही है कि कोई आए यहाँ पर. तो मैं पहुँचा वहाँ पर 1:30 बजे. जिसके साथ ठोकी थी वो गाड़ी का तो नक्शा ही बदल दिया था. लकीली नोबडी गॉट हर्ट. तो पुलिस को हैंडल किया दूसरी पार्टी को हैंडल किया और उसको भेज दिया सुबह. मैंने कहा कि अभी कुछ मत बताओ खास करके इन्हें. बचपन की बातें तो बहुत हो रही थी लेकिन हमने कहा कि यादें ताज़ा करते हैं कुछ पिक्चर्स के साथ भी. तो चलिए देखते हैं कि राम का बचपन कुछ अलग सा था या नहीं था. बचपन की तस्वीरें मुझे स्कूल की कुछ यादें वहाँ पर नजर आ रही थी. आई थिंक दे वर रियली फन टाइम्स फॉर यू. बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ. बहुत अच्छा स्कूल था शेयरवुड. सब कुछ किया मैंने लाइक शी राइटफुली सेड. जाने से पहले बच्चा था मैं. बहुत इनोसेंट था. बहुत क्वाइट सा था और शेयरवुड में बिल्कुल बदल गया पता नहीं कैसे. इट वाज एज इफ समबडी हैड यू नो पुल्ड हिम एंड ही हैड सडनली बिकम बिग बॉय. शेयरवुड में बबर शेर बने. बहुत और बातें इनके बारे में करनी है. अभी कुछ देर वापस आएंगे और नोकिया जीना इसी का नाम है. स्टे राइट देयर. वेलकम बैक टू नोकिया. जीना इसी का नाम है. राम हमारे साथ यहीं पर हैं और बातचीत हो रही थी शेयरवुड की. भाई शेयरवुड में मुझे एक और कहानी आपके बारे में पता है कि लोग जो होते हैं वो सर झुका के हंसते हैं. आप सर उठा के हंसे और फंसे. ऐसा हुआ था? आपकी रिसर्च बहुत ही तगड़ा है. माय गॉड. हाँ मैं पकड़ा गया. किसी ने हम लोग परेड कर रहे थे स्कूल में और किसी ने कोई जोक क्रैक की मेरे पीछे. सब लोग हंसे लेकिन सब लोग नीचे देख के हंसे. मैं ऊपर देख के हंसा. तो मुझे पूरे स्कूल के सामने खड़ा करके करीब 10 से 15 मिनट पीटा गया बहुत बुरी तरह. दिस इज वेरी कॉमन इन बोर्डिंग स्कूल. लेकिन हाँ उसके बाद मैं काफ़ी हीरो बन गया. बिकॉज सारी लड़की आती थी ओ माय गॉड डिड यू गेट हर्ट. शेयरवुड में थिएटर का इन्फ्लुएंस अभी आपके मॉम एंड डैड भी कह रहे थे. आपने मुझे पहले बताया कि बहुत था. जो इन्फ्लुएंस था वो एक बहुत ही महान शख्सियत का था. उनसे हमने कोशिश करी बातचीत करने की पर पता नहीं वो स्टेज डोर से निकल पाए या नहीं हमसे बात करने के लिए. लेट्स सी.
मुझे याद है कई साल पहले, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, जब राम कपूर शेवुड कॉलेज में पढ़ता था, मैं वहाँ एक प्ले डायरेक्ट करने गया था और ये मेरे पास ऑडिशन के लिए आया था। उस वक्त जब मैंने इसका ऑडिशन लिया था तो मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि इस लड़के को अगर सही ट्रेनिंग मिले और सही अपॉर्चुनिटी मिले तो ये बहुत दूर जाएगा। शेवुड के बाद कारगिल के प्ले में उसने कई रोल मेरे साथ किए और मुझे बड़ी खुशी है अब उसका काम देख के टेलीविज़न में, फिल्मों में, और ये देख के कि वो अपने तरक्की के रास्ते पे बड़ी मजबूती से चल रहा है। सब लोग इनकी एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर एक्टिंग की इनकी जिंदगी से आपको महरूम रखा तो आप कहेंगे रोशन ने अपना काम नहीं करा। नया साल आने वाला है इसलिए गिफ्ट पर गिफ्ट आपके लिए लाते जाते हैं। दिल की धड़कन अगर तेज हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने कुछ इंतजाम करा है। अगले गेस्ट को यहां पर बुलाना चाहता हूं। Hi Kishore. Hi. Thank you so much for coming here. My pleasure. डॉक्टर का रोल किया था धड़कन में। हाँ जी। तब आपकी मुलाकात हुई थी। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है मैंने इससे पहले जब एपिसोड्स करी थी, जब भी कोई गेस्ट आता था तो लोग हग करके कान में कहते थे सच मत बताना। तो आपसे तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसको जो बताना बता सकते। तो बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई और क्या कहती है आप इनके बारे में? As an actor, I think he's mind blowing. And as a co-star, he is very helpful and you know, एक एक्टर को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि it's amazing. And हमने कुछ बहुत अच्छे टाइम बिताए हैं धड़कन के, नॉट सेट पर बट मेकअप रूम में। हम बहुत चेस खेलते थे, याद है? जी हाँ, चेस खेलते थे एंड ये बहुत चीटिंग करते थे, हार जाते थे तो रोते थे एंड तो ऐसे भी हैं ये कुछ थोड़े से। हाँ, रोते भी थे। हाँ। अरे वो हारना किसको पसंद है। एक और चीज ये है कि धड़कन के बाद अब जब आप इनको देखती हैं ऑन स्क्रीन, डू यू थिंक इनमें कुछ चेंजेस आए हैं कि वही राम है? I think he's just put on weight. Lost of weight. Sorry, don't kill me after the show. But no, I think Jay Walia ka role inse better aur koi nahi kar sakta tha. Bilkul, bilkul. Mujhe lagta hai ki agar hum log yahan par sab kasam khaye to kasam se. par main chahta hu ki Ram is samay aap ek kasam khaye. So zara kasam kha lijiye please. Kis bare mein kasam khaye? Aapko ye kasam khani hai ki ab jo yahan par aane wala hai, kasam se unke samne aap सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बाप रे, कौन आ रहा है भाई? आप लोग इनको बानी के नाम से जानते हैं लेकिन हैं ये प्राची। प्राची, जब पहली मुलाकात हुई थी, को स्टार हैं, इतना आपको काम साथ में करना था, व्हाट वाज योर फीलिंग? I think since the first day, it's been a great time with Ram till date. He's so friendly and he's so supportive. I was very new. मैं किसी को जानती नहीं थी and I was really worried कि who's going to be the next co-star and you know, I heard he's quite senior and whatever. But when I met him, it was so much fun, you know, and till date, he's just been so cool with me and everything. And I think it's all because of him that I actually had, you know, stably, I am here and doing this Bani thing. I think it's all because of him. Zada bol gayi hai. Zada bol gayi. She is very talented and she impressed me the very first day. That is why I am cool with her. If she had not impressed me, maybe I would not have been. Dubai ki trip kaisi thi aap? Dubai, I think Ram was the one who was dulot the most. Sabse zyada kaam Ram ka tha and I had a nice holiday there. Baki sab holiday kar rahe the aur mujhe kaam karwa rahe the. Din raat mera pack up hota tha 5 baje 6 baje subah. दुबई टाइम, इंडिया टाइम? पता नहीं, मैं भूल गया कौन से टाइम जोन में था मैं, क्योंकि जब मेरे साथ पिया के सीन्स थे तो ये पार्टी करती थी, जब मेरे साथ बानी के सीन्स थे तो पिया पार्टी, लेकिन जय वाले तो वही था बेचारा जय। जिंदगी मेरे होता है कि ये कैरेक्टर जो आपको मिला, आई थिंक लोगों को कुछ चीजें नसीब से मिलती हैं जी, क्या आपको लगता है कि ये कैरेक्टर आपकी जिंदगी में एक यू नो एक पिविटल पॉइंट प्ले करता है? एक बहुत सही बात कही आपने कि लोगों को कैरेक्टर, लोगों को हर चीज़ नसीब से मिलती। सही बात। आई स्ट्रांगली फील कि मुझे ये रोल मिला मेरी बेटी की वजह से। द मिनट शी हैज़ कम इन माई लाइफ, शी हैज़ ब्रॉट मी लक। तो जैसे ही हम लोगों को पता चला कि एक बच्ची आ रही है हमारी ज़िंदगी में, उसी दिन मुझे फ़ोन आया बालाजी से कि प्लीज़ आइए, एक किरदार है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। सो आई थिंक शी इज़ गॉट मी ऑल द लक इंक्लूडिंग दिस कैरेक्टर। लोगों का प्यार मिला है और इतना अच्छा रोल, इस सब के साथ बहुत कुछ और हुआ है इनकी जिंदगी में, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है।
वेलकम बैक टू नोकिया, जीना इसी का नाम है। मेरे साथ हैं राम कपूर, जिनसे मैं काफी सारी बातें कर रहा था। अभी अभी इनके बारे में पता लगा कि इनकी जिंदगी में इनकी बेटी की जब पैदाइश हुई तो उससे काफी इनको लगता है कि लक मिला है जिंदगी में। बिल्कुल, बहुत कुछ मिला है मुझे एक्चुअली आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न। रियली आई थिंक जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, कुछ की रिलेशनशिप अलग होती है, कुछ आपके लिए स्पेशल बन जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर हैं, मैं उनको यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूँ। आइए प्लीज। Ashley, thank you so much for joining us. Lord here. Calling me. My God. भाई एक चीज मैं जानता हूँ कि आपका रिश्ता जो है वो शो पे था पहले, लेकिन उससे भी कहीं आगे बढ़ गया। जी आप थोड़ा बताएंगी अश्विनी जी, क्या क्या रिलेशनशिप है ये स्पेशल? मैं जानता हूँ ये क्या बताने वाली है, मैं जानता हूँ। इट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ, तो ये बताएगी भाई, इसीलिए तो जीना इसी का नाम है। तो बता दे राम को हमेशा, मतलब जैसे शो शुरू हुआ है, आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट हिम लाइक यू नो लाइक माय ब्रदर। मेरे खुद के भाई तो लंदन में है, तो मैं अपने भाई की तरह मानती हूँ। तो रक्षाबंधन तो हमने कहा कि उस दिन मैं शूट नहीं कर रही थी, और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं शूट नहीं कर रही हूँ आपके साथ, तो मैं आपको सेट पे नहीं आती हूँ, सारे लोगों को पता चलेगा, व्हाई यू नो अननेसेसरी। तो उन्होंने कहा हाँ, वो भी साकी नाका में, मैं अंधेरी में। तो उन्होंने कहा कि हाईवे पे 10 बजे को पैकअप हो जाएगा, 10 बजे हम मिल लेते हैं हाईवे पे। तो मैं और हमारे दोस्त, हम दोनों गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तकरीबन 11:30 के करीब मैंने कहा कि शायद इनको लेट हो रहा है, हम सेट पे चलते हैं, वहीं पे करवा लेंगे, क्या होगा, थोड़ा सा होगा फिल्मी टाइप लगेगा। तो मैं बकायदा राखी लेके, गिफ्ट लेके बैठी हूँ गाड़ी में तैयारी के साथ, एंड आई कॉल अप एंड आई सेड राम, हाँ बोलो ऐश। मैंने कहाँ हो? सो रहा हूँ घर पे। मैंने एंड घर, मतलब इनका घर टाउन में रहते हैं ये, बीपीएससी रोड पे। हाँ, और मतलब मैं अंधेरी हाईवे पे रुकी हुई हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बहुत डे नाइट काम चल रहा था, तो ही पास्ड आउट इन द कार। सो बाय द टाइम द ड्राइवर रीच द हाईवे, ही वाज स्लीपिंग ड्रीमिंग। गाड़ी मेरी यहाँ पे खड़ी और ये जूम करके चले गए, और मैं भी वेट कर रही हूँ। लेकिन इसका ये एक फायदा हुआ कि मुझे बहुत बढ़िया 2 सिल्वर नेकलेसेस मिले एंटीक। मतलब ये एक बोलने वाली बात है कि उन्होंने मुझे सेट पर दिया सब, क्योंकि सब लोगों ने इनको बहुत कर्ज किया, हाउ कैन यू डू समथिंग लाइक दिस, शी वेटेड इन दिस एंड दैट। ओह माय गॉड। तो सबने क्लास ले ली राम की। तो उन्होंने सबको बिठाया बकायदा सेट पे और कहा कि देखिए ये कॉम्पेंसेशन है, मैं 2-2 लेकर आया हूँ, आई एम वेरी सॉरी। एक रक्षाबंधन के लिए, दूसरा सॉरी कहने के लिए। तो पिया जो है रोशनी चोपड़ा, उन्होंने कह दिया अगर ये सब फायदे हैं तो मैं भी अगले साल राखी बनवाती हूँ। इतनी अच्छी पोल यहाँ पर खुली है, तो थोड़ा और मजा लेते हैं इस खिचड़ी में है, कुछ और मसाले डालते हैं। 2 बहुत ही अच्छे मसाले यहाँ पर आने वाले हैं। आइए साहब। अब मुझे लग रहा है कि सब लोग यहाँ पर एक ऑलमोस्ट फैमिली पिक्चर एक खिंचा सकते थे हम लोग यहाँ पर। पर आप लोग बताइए, यू नो इनके साथ काम किया है, सब अच्छी अच्छी, इतनी अच्छी कहानी बताइए, अब तक बेस्ट स्टोरी हमें मिली है, बट यू गॉट टू टॉप इट। कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे कि थोड़ा और नमन शाह के पास एक है। अच्छा बताइए, नमन शाह बताइए क्या कहानी है। कुछ दिन पहले हमारी आर्टिकल आई थी पेपर में, तो वो एक बहुत बड़ा न्यूज बन गया था बॉम्बे में। सो अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ आर्टिकल के बारे में। देवर 2 जर्नलिस्ट आए थे, वो हम दोनों के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहते थे, नमन एंड जय। नहीं, स्कूप चाहना चाहते थे कि उनका कुछ कि जय वालिया और पुष्कर किस लड़की को पसंद करते हैं कसम से, कदम से सेट पर। तो मजाक में ही सेट, यू नो ये चलो हम लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर आर्टिकल करते हैं। तो उन्होंने किसी के साथ में पिक्चर्स देते हैं कुछ हमारे, तो पिक्चर ले रहे थे, अचानक इन्होंने मुझे किस करते हुए पिक्चर ले लिया। तो मैं ठीक है, किस कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ठीक है, वो फोटोग्राफर्स चले गए। रात को मुझे फ़ोन आता है कि राम एज अ कोस्टार कैसे है। तो मैं बोला बहुत अच्छे कोस्टार हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं सेट पर, हम लोग एज अ यूनिट सब साथ बैठकर खाते हैं, उनके लैपटॉप्स पे गेम खेलते हैं, इतना कहा मैंने। फिर इन्हें फ़ोन आया, मेरे सामने इन्हें फ़ोन आया, तो हाउ डू यू लाइक नमन एज अ कोस्टार? और इनका आंसर लाइक आई लव नमन। और नेक्स्ट दिन मैं आराम से सो रहा हूँ, सुबह 9 बजे इनका फोन आता है, नमन तूने पेपर पढ़ा है? लाइक नहीं, क्यों, क्या हो गया? मत पढ़ना। लाइक ओह शिट। जब मैंने खोला तो उसमें ये लिखा था कि
नमन एंड राम कुछ था बहुत बड़ा आर्टिकल और थैंक्स टू राम थैंक्स टू राम नमन एंड दो लव लाइफ और अगले दिन सुबह ये आता है सेट पे और सिर्फ ये कहता है कि सर आपकी तो शादी हो गई है मेरा क्या होगा वही कह रहा हूँ भाई आपकी कहानी क्या है देखिए हम लोग एक कार्ड पार्टी में पहुंचे एकता की कार्ड पार्टी थी वहां पर तो वहां पे राम ने मुझे देखा और मैं तो खेलता नहीं 1000-2000 थे मैं हार गया उसके बाद आकाशदीप ने मुझे कुछ पैसे देने की राम नो तुम पैसे मुझसे लोगे पवन तुम किसी और से पैसे नहीं लोगे और जैसे जैसे कार्ड पार्टी बढ़ती जा रही थी और तुझे चाहिए पैसे मैं दूंगा जो भी टेबल पे था उसके बाद सब गुरा पैसे मैं दूंगा सर, और किसी से नहीं उसके पीछे राज ये था कि जो पैसे मैं देते जा रहा था वो पैसे कभी से हार तो नहीं रहा इससे पहले कि एक नया स्कूप बन जाए हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम है वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है राम अभी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं काफी सारी इनके बारे में हम लोगों को कहानियां पता लग चुकी हैं जब लोग ऐसे किरदार कभी कभार निभाते हैं तो इनके फैंस बन जाते हैं कुछ फैंस बड़े ही स्पेशल होते हैं हमने कहा कि इनके एक फैन को यहाँ पर बुलाते हैं जो कि अपने आप में हजारों लाखों की तादाद में फैंस पा चुके हैं मैं अपने अगले गेस्ट को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ आइए साहब द लेजेंडरी मनोज कुमार साहब Are we meeting for the first time? Yes, sir. We're meeting for the first time. Thank you for coming. Thank you so much for coming. Aye, please. Manoj sahab, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये आपने इनके कार्यक्रम को बड़े नजदीकी से देखा है. काम कैसा लगा और किस तरीके से आपने इनसे आपका तारुफ हुआ इनसे? दरअसल मैं कुछ टॉक शो या अपने भाई मनीष गोस्वामी के वो देखता हूँ. तो एक दिन एक अच्छी ग्रेन्स वाली बेस आवाज़ आई साथ में एक प्लेन हस्की आवाज़ भी मिक्स हुई तो मनोज कुमार के अंदर जो डायरेक्टर है वो ज़रा खनका कि ये आवाज़ किसकी है तो पलट के देखा एक खुश शक्ल इंसान शक्ल अकल लगा के अच्छा देखा देखता गया और महसूस नहीं हुआ कि कितना वक्त निकल गया तो स्टोरी के राइटर का नाम मैं पढ़ चुका था दिनेश रहेजा साहब पत्रकार भी हैं मेरे दोस्त थे मैंने फौरन उनको फ़ोन किया मैंने कहा दिनेश ये राज कपूर का नंबर देना कहने लगे क्या मैंने कहा भैया वो राम कपूर का उन्होंने नंबर दिया मैंने फ़ोन किया मैंने कहा राम कपूर साहब मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ कौन मनोज कुमार बोल रहे हैं आजकल बहुत मनोज कुमार मैंने कहा कि ये है और मैं एक उम्दा सीनों में से आज ज़िंदगी में एक उम्दा सीन देखा है राम व्हेन यू गॉट द कॉल क्या आपको लगा था कि मनोज कुमार ही आपसे बात कर रहे हैं या यू नेवर एक्सपेक्ट मनोज कुमार टू बी कॉलिंग ऑफ कोर्स नॉट मतलब ही इज अ लिविंग लेजेंड इतनी कैजुअली बोल दिया मनोज कुमार डिडंट सेट इन उसके दो मिनट बाद जब तो फ्रेज होता है ना ये हवाइयाँ उड़ गई वो हो गया मेरे साथ मतलब आफ्टर दैट आई वाज साइलेंट फॉर अबाउट टू मिनट्स आई डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू हिम आई डिडंट नो व्हाट टू से लकीली ही वाज डूइंग द टॉकिंग तो मैं बस सुन रहा था और आई थिंक फ़ोन रखने के बाद सिंक इन हुआ कि किसने फ़ोन किया था अभी तुम्हें तो ट्रू बहुत लोगों ने इनके काम को सराहा है जब इन्होंने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की तरफ भी गए उनमें से कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है देखते हैं उनमें से किसी एक ने इनके बारे में क्या कहा Hi Ram, surprise. Jab shot ready tha and we're calling for Ram Kapoor, there's no Ram on set. So we're looking for Ram and everyone's running to the makeup room. So I go there and I see Mr. Kapoor is sprawled on the bed,
completely torn. He had to be almost carried out, put on the stage, given the mic where he had to do the scene. And I was thinking, how is this guy gonna remember like one page of dialogues? But when I said action, he did it so well that we took the entire shot in one take and it was a perfect take. Abhi jo aapne scene dekha, ye Ruchi ki film se, Ruchi Narayan ki film se, which is called Kal, Yesterday and Tomorrow. Bahut hi behtareen performance aapki is film mein rahi. Thank you, shukriya. Bhai, inki filmon mein entry jab hui thi to इनकी मदद करी थी किसी व्यक्ति ने. बड़े बिजी इंसान हैं, शायद वक्त मिल पाया होगा यहां पर आने के लिए. आई लाइक टू कॉल आवर नेक्स्ट गेस्ट प्लीज. राहुल रवे साहब यहां पर हमारे बीच आए हुए हैं. हाउ आर यू? गुड. प्लीज बैठिए. राहुल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता था कि एज अ फिल्म मेकर तो आपने इनको जब मिले थे पहली बार तो क्या लगा था आपको? हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर जितेंद्र भार्गव, एयर इंडिया के. उन्होंने मिला था, मुझे अभी तक याद है, मेला रेस्टोरेंट में मिले थे. मुझे राम से बात करके तब लगे ये लगा था कि ये लड़का एक्टर बहुत अच्छा होगा. मैंने कहा भी था कि यू विल मेक अ वेरी वेरी गुड एक्टर. अनफॉर्चुनेटली मेरी फिल्मों में आई कुड नॉट गेट एनीथिंग फॉर हिम. लेकिन उस वक्त मैं अर्जुन पंडित फिल्म बना रहा था जिसमें सुधीर मिश्रा लिख रहे थे. तो ऐसी बातचीत मैंने सुधीर से कहा था. मैंने कहा देयर इज दिस बॉय कॉल्ड राम कपूर हु इज अ वेरी फाइन एक्टर, व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम, यू नो, इफ यू हैव समथिंग. और मेरा ख्याल है वहाँ से दिस थिंग स्टार्टेड विद न्याय, आई थिंक था न्याय, न्याय में काम हुआ. यस यस करेक्ट. पहली बार, पहला ऑडिशन जो मुझे मिला इस इंडस्ट्री में वो सुधीर जी ने दिया मुझे, बिकॉज ऑफ द फोन कॉल मिस्टर रवेल मेड टू सुधीर मिश्रा. ही इज जूनियर रवेल, हिज फादर वाज सीनियर रवेल. सीनियर रवेल इंट्रोड्यूस्ड मी एंड जूनियर रवेल इंट्रोड्यूस्ड राम. So I, we are Ravel's brother. I did not actually introduce him. I just, no, it's a... You made an introduction for him. Introduction because I genuinely felt that the talent is there. Thank you very much, sir. Thank you, Manoj ji, for being here with us. Main chahunga ke aap log wahan par jagah le lein because we've got lots of other guests who are coming on as well. Dosto, for a great director and great talent, thank you both for joining us here. Aayye. प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है इसलिए चलिए कुछ देर के लिए पासा पलटते हैं, पर्सनल लाइफ की कुछ बात करते हैं. मैं यहां पर अगले गेस्ट को निमंत्रण देना चाहता हूं. आइए साहब. सुरेंद्र कुमार जी इनके मामा हैं. आइए प्लीज बैठिए. आइए मामा जी. मुझे मैंने देखा है कि जब ये काम की बात करते हैं तो थोड़े से एम्बेरस रहते हैं, घर की बात जब करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनके चेहरे पर एक खुशी मुझे नज़र आती है जी. इतनी सारी जो लोग, जिन लोगों से बात हुई है अब तक, सब कहते हैं कि बड़े टैलेंटेड हैं जी. आपने इनका टैलेंट कभी रिकगनाइज किया था? कभी घर पर लोगों को एंटरटेन करते थे? जी हाँ बिल्कुल, इनका टैलेंट रिकगनाइज किया था. हमारे घर में एक पार्टी थी तो आप साहब पार्टी पर आए, खास बॉम्बई से आए थे, और इन्होंने अपने संगीत से ही टुक ओवर द स्टेज. And he sang songs. You won't believe, बहुत अच्छा गाते हैं भगवान का. वो क्या है कि दो तीन बॉटल अंदर ढकेलने के बाद हर कोई अच्छा गाने लगता है. उसके बगैर मैं अच्छा बिल्कुल नहीं गाता. और अगर आप अभी कहने वाले कि मैं कुछ गाऊं तो पहले आप जरा एक दो बॉटल खोल लीजिए, उसके बाद मैं गाता ही रहूंगा. मैं नहीं कह रहा आप गाने वाले, वो लोग कह रहे हैं कि आप गाने वाले. हम लोग ही नहीं है कि जो दोस्त याद करते. व्हाट हैव वी डन? हम लोग टॉर्चर हो चुके हैं एक बार. सबको टॉर्चर होने दो. बिल्कुल बिल्कुल. राम, दो लाइनें आपसे सुननी पड़ेंगी हमको. एक गाना था जो मेरी पत्नी को बहुत पसंद था जब मैं उनको डेट कर रहा था शादी के पहले, तो आई नो दैट शी यूज्ड टू रियली लाइक दिस सॉन्ग. तो मैंने ये गाना लर्न किया और उनके लिए गाया. एंड दैट्स हाउ आई इम्प्रेस्ड हर. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं ये आरजू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं ये आरजू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, जमी को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो.
इन्होंने जो गाया तो वो दो बोतल के नशे के बाद ही कर गया। बिल्कुल। I want to meet Gautami. इसके बाद भी वो पट गई। भाई सब लोग यहाँ पर इल्तिजा कर रहे हैं कि उनसे मिलना चाहिए जिनके लिए गाना गाया गया था। चलिए भाई, जीना इसी का नाम है, बुलाते हैं उन्हीं को यहाँ पर। इनकी मच बेटर हाफ गौतमी, प्लीज बैठिए। ये गाना सुनने के बाद भी सुना मैंने, मैं एक झपकी भी मार के आई। मुझे ये पहले जानना है कि पहली मुलाकात में किसने किसको, ये होता है कि नजर में आ जाता है, किसकी नजर में कौन आया था? वेरी डिफिकल्ट टू से। मैं जब पहली बार इसे देखा तो मैंने सोचा सबसे बड़ी बहन जी है। वो घर एक मंदिर के सेट पे मिला था, इंडियन आउटफिट पहना हुआ था सेट का, और उसने आके बोला आई एम गौतमी, एंड आई सेड हाय आई एम राम, और अंदर सोच रहा था क्या बहन जी के साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी। और मैंने सोचा था कि इतने लंबे जो डायलॉग्स हैं, ये राम कपूर क्या चीज़ है देखते हैं, तो नज़रें तो किसी की टिकी नहीं थी। बट आई थिंक एज टाइम पास्ड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, और फिर दोनों की नज़रें भिड़ गई। इजहार शायद सामने ना करें उतना, लेकिन चारों तरफ जो करते हैं उससे इजहार करते हैं। लोग कह रहे थे कि दुबई में शॉपिंग कर रहे थे आपके लिए, या गाना गाया आपके लिए, ऐसी चीज़ें। How is he as a husband? No, I think he's extremely expressive. और आम तौर पे जैसे मर्द होते हैं बहुत expressive नहीं होते, I think he's not like that. राम बहुत ही sensitive हैं, and he's always been very expressive. So I don't think ऐसा कभी मोड़ आया था हमारी ज़िंदगी में where I felt कि oh he doesn't express or he's not, you know, not like that. So I know how much he loves us, like me and my daughter and the family. So he's always been like that. टीवी में दोनों ने बहुत काम करा, तो यू नो दे वर्क्ड इन वेरियस प्रोडक्शंस, लेकिन होम प्रोडक्शंस, वेल चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सिया, एंड टू ऑल ऑफ यू आउट देयर सलाम। अब मैं डैडी के बारे में क्या बोलूं? ही इज द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, बट फॉर नॉट गेटिंग मी ऑन द शो टुडे। Thank you. Oh God. Oh my God. Ram, tell me. मुझे मालूम है कि वो आपको बहुत special है। जी। तो जब आप shoot करते हैं, and I know कि एक TV actor का या एक actor के career में जब ऊंचाइयाँ आती हैं, तो ये 9 to 9, 7 to I don't know what, किन-किन time तक आप लोगों की shoots चलती रहती हैं? वक्त कैसे मिलता है? नहीं मिलता है वक्त, बिल्कुल नहीं मिलता है। 15 मिनट अगर मिल जाए बच्ची के साथ तो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। सुबह निकलता हूँ तो 5-10 मिनट मिलते हैं, रात को आता हूँ तो सॉरी होती है। सो आई डोंट गेट टाइम, आई विश आई हैड मोर टाइम, बट मैं जब निकलता हूँ काम के लिए, जो उसको किस करता हूँ तो सोचता हूँ कि इसी के लिए जा रहा हूँ, इसी के लिए काम कर रहा हूँ, एंड दीज आर द फ्यू ईयर्स दैट आई हैव टू पुट इन, and hopefully in the future few years down the road I'll get more time. So apne aap ko dilhasa deta rehta hu is tarah, but waqt nahi milta jitna main chahta hu, bilkul nahi milta. Really I think itne logon ka pyar hai abhi, pyar ka izhar karna aur kuch zara si aur baatein karna reh gayi hain, uske liye ek choti si break ke baad wapas aate hain. On Nokia, Jeena Isi ka naam. Jeena Isi ka naam hai, Jeena Isi ka naam. Ram, ये लास्ट सेगमेंट बड़ा ही डेंजरस होता है नॉर्मली हमारे शो में, और इसलिए मैं आपके पिताजी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। सर, आपको शायद याद होगा कि कभी कभार जब ये छोटे थे तो एक बार एक गाड़ी जो थी आपकी वो थोड़ी डैमेज हो गई थी। आपको ये भी याद होगा कि घर पे कभी कभार कुछ चादर और मैट्रेसेस में आग लगी मिलती थी आपको। आपको ये भी याद होगा कि आपकी जेब से कभी कभार कुछ पैसे गायब रहते थे। आपको क्या मालूम है कि इसके पीछे किसका हाथ था? श्री राम कपूर। लेकिन ये अकेले नहीं थे सर, मैं इनकी पैरवी करना चाहता हूँ। इस कहानी में कई और पात्र भी थे, तो मैं उनमें से एक पात्र को पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आप लोगों से। पेश होइए भाई यहाँ पर हमारे साथ। हाय राम, सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू मेक इट टू योर शो टुडे। आजकल हम पहले की तरह मिल नहीं पाते हैं, तुम भी बहुत बिजी रहते हो बिकॉज ऑफ योर वेरी वेरी बिजी एंड हेक्टिक शेड्यूल। अब ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहूँ। मैं कैमरा में तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? लेट मी नॉट से एनीथिंग अबाउट यू, लेट मी जस्ट शो समथिंग।
I'm the king of the world. This is how we party. The boys are about to carry me. तो एक व्यक्ति जिन्होंने राम का एक बिल्कुल ही अलग रूप आपके सामने पेश किया, उसके अलावा जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि इनकी उन सारी शैतानियों में कुछ और लोगों का हाथ था, तो उन सबको यहां पर अब बुला ही लेते हैं। आइए साहब यहां पर। राजेश बिल्कुल ठीक ठाक, ऋषाद या एंड संजीव, ग्रेट टू सी यू। आप सबके चेहरे पर मुझे जो ये मिस्चिवस सी एक लुक दिख रही है। हम इंतजार कर, रोशन एक कहानी बताना चाह रहा हूँ। प्लीज बताइए। उस दिन हुआ ये था कि बारिश हो रही थी, हम रात को संजीव, मैं और ऋषाद बाहर गए थे और राम की सफारी गाड़ी थी और हम लोग रात को, वो मिलन सबवे बॉम्बे का जो है वो तो सब जानते ही हैं, भर जाता है पानी से, वो एक रैंप जैसा बनाते हैं मिलन सबवे के नीचे ताकि गाड़ियाँ उसके ऊपर से जाएं। जी जी। तो राम चला रहा था और गाड़ी रैंप के ऊपर थी, तब तक तो ऊपर थी, और सामने हमने देखा कि बेहद पानी, मतलब उसके बियॉन्ड सब कुछ डूबा हुआ था। तो राम ने संजीव को देखा, मुझे देखा, ऋषाद उस वक्त पहले में अमेरिका में था कि क्या करूँ, जाऊँ? तो संजीव, मैंने कहा नहीं नहीं बहुत पानी है, नहीं जा सकते राम। उस वक्त राम ने कहा कि लेट्स लिव डेंजरसली, और इन द नेक्स्ट मोमेंट, मतलब गाड़ी जो पानी के ऊपर थी, विद इन 5 seconds वो गाड़ी जो है पानी के नीचे थी, यहाँ तक पानी, और हम तीनों को पता नहीं कि करें क्या, तो विंडो रोल डाउन करके हम लोग छत के ऊपर बैठे। नहीं, यू रिमेंबर व्हाट राजेश वाज डूइंग? वी आर गोइंग टू पैनिक, वी आर गोइंग टू डाई। आई रियली थॉट वी वर गोइंग टू डाई। सो देन अब तीनों हम लोग मरूनड ऑन एन आइलैंड जैसे, वो सफारी का सिर्फ रूफ, और हम तीनों बैठ के लाइव कमेंट्री ऋषाद को अमेरिका में दे रहे कि यार फंस गए, अब करें क्या, घर जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी, और वैसे भी राम को हिस्ट्री थी उसकी, उसको अपने फादर की सारी गाड़ियों से दुश्मनी है, शुरुआत से उसको कुछ ना कुछ करता आ रहा है, लेकिन जब से इसने अपनी गाड़ी खरीदी है एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे क्या राज है वो मुझे नहीं पता। गीले कीचड़ के पानी में धक्का मारने के बाद उस घिसी पिटी हालत में वी वेंट टू द हॉलीडे इन कॉफी शॉप, क्योंकि भूख लगी थी, सुबह के 4 बजे हम लोग थी, जैसे हम लोग सोफे पे बैठे पूरा सोफा गंदा गीला, वेटर हमारे पास आना नहीं चाहते थे ऑर्डर लेने के लिए, वी गॉट सो अपसेट कि वेटर्स आर नॉट गिविंग अस अटेंशन, कि सब कुछ गंदा करके वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू ईट हियर, उठ के वापस चले। उसका बिल भी हॉलीडे इन ने उसके फादर का। मैं सचमुच, यू नो, भगवान सबको ऐसे जो है पिता दे जो कि हंसते हंसते इनकी जो करते हैं, जो खुराफात करते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन आखिर तो आई थिंक उनका नाम आगे आप ले ही जा रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं उसमें भी। रियली आई थिंक जिंदगी में इतने अच्छे दोस्त पाना, सब यहाँ पर आपके बारे में बातें जो करते हैं, तो इनके दोस्त यहाँ पर हैं, इनके कॉलीग्स यहाँ पर हैं, परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, एक व्यक्ति मिसिंग है, उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ लेकिन बुलाऊंगा नहीं, आप ही उनको लेके आइए भाई, जाइए ज़रा बातचीत करनी मुझे, आप जाइए प्लीज। राम अब टेंशन में है। कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्के फुल्के रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है। कभी तो ये थी राम कपूर जी की कहानी, इनके दोस्तों की जुबानी, इनके घर वालों की जुबानी, और सबसे आखिर में अगर आपने देखा हो तो एक ऐसे व्यक्ति की जुबानी जो कि बेजुबान होके भी बहुत कुछ बोल गया। आप सबको हम सब की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, होप यू हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर, एंड रिमेंबर ऐसी जिंदगियों से बनता है हमारे कार्यक्रम नोकिया जीना इसी का नाम। टिल नेक्स्ट वीक, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।